नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के पिता ने इंदिरा की बात नहीं मानी और 329 लोगों की जान चली गई। खालिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत और कनाडा के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ होने का संदेह जताया। कनाडा ने इसके चलते भारतीय राजनयिक को भी निकाल दिया। भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज किया है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में इन आरोपों को बेतुका और एक विचारधारा से प्रेरित बताया है। भारत ने कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को 5 दिन के अंदर भारत छोड़कर जाने के लिए भी कहा है। 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के एक पार्किंग इलाके में एक गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर को गोली मार दी गई थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि खालिस्तान का मुद्दा दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बना है। इससे पहले भी कनाडा ने कई बार खालिस्तानियों का बचाव किया है। 1982 में भी कनाडा ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक अनुरोध को नकार दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने अनुरोध में कहा था कि खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार का प्रत्यर्पण यानी डिपोर्ट किया जाए। तलविंदर भारत में एक वांटेड आतंकवादी था। कनाडा सरकार ने इसे नकारते हुए तर्क दिया कि राष्ट्रमंडल देशों यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच प्रत्यर्पण के प्रोटोकॉल लागू नहीं होते। उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो थे। वे 1968 से 1979 और फिर 1980 से 1984 तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे। कैसे तलविंदर सिंह ने ली 329 लोगों की जान? कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार और खालिस्तानी आंदोलन पर लंबे समय तक रिपोर्टिंग करने वाले टेरी मिलवस्की ने अपनी किताब ब्लड 50 इयर्स ऑफ द ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट में इस घटना का जिक्र किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने लिखा, भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को ठुकराने से कनाडा को कुछ हासिल नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ। उन्होंने जिस आतंकवादी तलविंदर सिंह की प्रत्यर्पण से इनकार किया था, उसी ने 1985 में एयर इंडिया के कनिष्क विमान को टाइम बम से उड़ा दिया था। इसमें सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें ज्यादातर कनाडाई नागरिक शामिल थे। हाल ही में G20 समिट के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो के सामने कनाडा में लगातार बढ़ रही भारत विरोधी गतिविधियों पर चिंता जताई थी। जस्टिन ट्रूडो ने इन चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया बल्कि उन्होंने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कनाडा शांतिपूर्ण विरोध करने का हमेशा समर्थन करेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।